दोस्तों क्या आपको पता है एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे दो प्लैनेट खोज निकाले हैं जहां जीवन मुमकिन हो सकता है। ये प्लैनेट एक लाल बौने तारे यानी रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करते हैं। इनका द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर है और दूरी सिर्फ 16 लाइट ईयर्स है और ये प्लैनेट अपने तारे से हैबिटेबल जोन में है। इसका इलाका ना तो बहुत गर्म ना बहुत ठंडा है। इस प्लैनेट में लिक्विड वाटर यानी तरल पानी भी पाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने जिन प्लैनेट्स को खोजा है वो GJ-1002 नाम के लाल तारे की परिक्रमा करते हैं और उसके बहुत नजदीक है। इसीलिए तो एक प्लैनेट जिसका नाम GJ-1002 भी है वो सिर्फ 10 दिन में अपने तारे का चक्कर लगा लेता है। वहीं GJ-1002C नाम का प्लैनेट भी 21 दिनों में अपने सन का एक चक्कर लगा लेता है। हमारे सन के मुकाबले GJ-1002 नाम का लाल बौना तारा बहुत छोटा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह तारा बहुत चमकीला नहीं है, इसलिए इसका हैबिटेबल जोन तारे के बहुत नजदीक है। ये प्लैनेट पृथ्वी से बहुत दूर नहीं है, इसलिए भविष्य में वैज्ञानिक इन पर नजर बनाए रख सकते हैं। कुछ और रिसर्च करने पर इनके वातावरण की जानकारी मिल सकती है और तब पता लग पाएगा कि वहाँ जीवन मुमकिन है या नहीं। ध्यान रहे कि ये दोनों प्लैनेट एक्सोप्लैनेट हैं। एक्सोप्लैनेट उन ग्रहों को कहा जाता है जो सूर्य के अलावा अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं।